हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग। और आज के लेक्चर में हम फिल्टरिंग मेथड्स इन डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो फिल्टरिंग क्या होती है? फिल्टरिंग एक प्रोसेस है इमेज एनहांसमेंट का, जो कि इमेज की जो है स्पेशियल फ्रीक्वेंसी को चेंज करती है और इमेज के जो कुछ स्पेसिफिक फीचर है उनको हाईलाइट करती है। और इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है कि टू इम्प्रूव इंटरप्रेटेबिलिटी ऑफ इमेज डेटा। इमेज डेटा के जो इंटरप्रिटेशन की कैपेबिलिटी है उसको इम्प्रूव करती है। टू एड इन ऑटोमेटेड फीचर एक्सट्रैक्शन, टू रिमूव और रिड्यूस सेंसर डिग्रेडेशन। बेसिकली किसी भी तरह की इमेज एनहांसमेंट होती है, स्मूथ से उसको शार्प बनाना, नॉइज को रिमूव करना, इन सबके लिए जो है फिल्टरिंग मेथड्स का यूज किया जाता है। और इसके लिए दो तरह का डोमेन होता है इमेज एनहांसमेंट में, स्पेशल डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो अभी स्पेशल डोमेन के मेथड्स की बात करते हैं। स्पेशल डोमेन क्या होता है? बेसिकली स्पेशल डोमेन जो होता है वो एक इमेज के किसी पर्टिकुलर पिक्सल के साथ डील करता है और इस पिक्सल पे जो है सारे मेथड्स और एनहांसमेंट की टेक्निक्स जो है अप्लाई होती है। तो यहाँ पे स्पेशल मेथड्स, स्पेशल डोमेन के तीन मेथड्स के बारे में बात की गई है, कॉन्वोल्यूशन फिल्टरिंग, स्टैटिस्टिकल फिल्टरिंग और क्रिस्प फिल्टरिंग। तो यहाँ पे इस इमेज में स्पेशल फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया गया तीन एग्जांपल से, जीरो स्पेशल फ्रीक्वेंसी की एग्जांपल, लो स्पेशल फ्रीक्वेंसी और हाई स्पेशल फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी जो हाई है होते जाती है, इमेज में जो है शार्पनेस इंक्रीज होते जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्वोल्यूशन फिल्टरिंग की। कॉन्वोल्यूशन फिल्टरिंग के बारे में मैंने अपने पहले के लेक्चर्स में काफी डिटेल में बात की है, जिसे अगर आपने देख लिया तो आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में कहीं मेंशन कर दूंगी, आप उसको देख सकते हैं। तो कॉन्वोल्यूशन जो होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ एवरेजिंग स्मॉल सेट्स ऑफ पिक्सल अक्रॉस एन इमेज। इसमें क्या किया जाता है कि एक स्मॉल सेट ऑफ जो पिक्सल होते हैं उसको किसी कर्नल के साथ, कर्नल क्या होता है, एक 3x3 का या 5x5 का एक मैट्रिक्स होता है जिसमें कुछ नंबर्स होते हैं, उसको इमेज के, इमेज डेटा जो है उसके पिक्सल्स के साथ में इसको मल्टीप्लाई किया जाता है। मल्टीप्लाई करने का क्या मेथड है? जैसे कि यहाँ पे एक इमेज है, इसके पिक्सल्स रिप्रेजेंट किए गए हैं और ये हमारे पास 3x3 का कर्नल है, तो इसमें वो 10th क्लास वाली मैट्रिक्स जैसे नहीं होता है मल्टीप्लिकेशन, इसमें सिंगल टू सिंगल जो पिक्सल जहाँ पे जिसके साथ में फिट बैठता है उसके साथ में उसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। यहाँ पे 8 के साथ में -1 प्लस -1 टू 6 प्लस -1 टू 6, इसी तरह इसको पूरा किया गया है और डिवाइडेड बाई ये जो सारे कर्नल्स हैं इनका सम किया गया है। इसके बाद जो आउटपुट आया है उसको रिप्लेस कर देते हैं सेंटर वाले पिक्सल से। तो ये क्या हो जाता है? एवरेजिंग स्मॉल सेट ऑफ पिक्सल। और इसी तरह से ये तो हमने इतना मल्टीप्लाई किया तो एक पिक्सल की वैल्यू चेंज हुई। कॉन्वोल्यूशन में और डिटेल में आप जब जाएंगे, यही पिक्सल, ये कर्नल को जो है मूव करते हैं, एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो ये अगले पिक्सल की वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद ऐसे ही अगर नीचे वाली ये 3x3 सेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो इस पिक्सल की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ये जो बीच वाले 9 पिक्सल्स हैं इनकी वैल्यूज तो मिल जाएंगी आपको, पर ये जो साइड वाले पिक्सल्स बच जाते हैं इनके साथ मल्टीप्लाई करने के लिए क्या बगल में एक और रो होनी चाहिए, एक और कॉलम होना चाहिए जिससे ये 3x3 का सेट कंप्लीट हो पाएगा और ये मल्टीप्लाई हो पाएंगे आपस में। तो उसके लिए जो होती है पैडिंग की एक टेक्निक होती है, जिसमें क्या करते हैं हम साइड में एक और रो और कॉलम ऐड कर देते हैं जिसमें अपने अकॉर्डिंग जो है सेल वैल्यू 0, 1 या जो ये वाले पिक्सल्स हैं साइड वाले इनकी वैल्यूज को उसमें पुट कर देते हैं। उसके बाद इस कंप्लीट इमेज में फिल्टरिंग अप्लाई करते हैं। इन सारी चीज को, इस प्रोसेस को मैंने डिटेल में कॉन्वोल्यूशन वाले लेक्चर में समझाया अच्छे से। तो इसके बाद आगे बात करें तो अगला जो फिल्टर टेक्निक है वो है लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टरिंग क्या होता है? ये भी एवरेजिंग फिल्टर का ही एक टाइप है और ये फिल्टर स्मूदनिंग फिल्टर है, मतलब इमेज को स्मूद करने का काम करता है। इसमें जो है लो फ्रीक्वेंसी कर्नल्स यूज होते हैं और ये इमेज की स्पेशियल फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करते हैं और एक स्मूदर इमेज प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं बिफोर लो पास फिल्टरिंग की पहले कैसी इमेज थी और आफ्टर फिल्टरिंग कैसा आउटपुट आया है। ऐसे ही हाई पास फिल्टर है। हाई पास फिल्टर क्या होते हैं? इनमें जो कर्नल्स होते हैं इसको अप्लाई करने से इमेज की जो स्पेशियल फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज किया जाता है और इंक्रीज किया जाता है, जिसकी वजह से जो है इमेज में शार्पनेस आ जाती है और हमें एक शार्पर इमेज आउटपुट में मिलता है। और यहाँ पे अगर एक हाई पास फिल्टर का एग्जांपल देखें तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई इमेज का जो ये सेंटर पिक्सल्स है, अगर इसको, इसके जो सराउंडिंग वाले पिक्सल्स हैं, ये सेंटर वाले पिक्सल से लो वैल्यू है इनकी, तो जो है आउटपुट जो है वो सेंटर वाली वैल्यू और हाई हो जाएगी। और इसी के ऑपोजिट अगर जो सेंटर वाले पिक्सल की वैल्यू जो है वो सराउंडिंग वाले पिक्सल के वैल्यू से लो है तो इसका जो आउटपुट होगा
वो जो ये सेंटर वाला पिक्सल है इसकी वैल्यू और लो हो जाएगी। सराउंडिंग पिक्सल हाई है, सेंटर पिक्सल लो है तो आउटपुट और लो हो जाएगा। सराउंडिंग पिक्सल लो है, सेंटर पिक्सल हाई है तो आउटपुट पिक्सल और हाई हो जाएगा। और बाकी अदर केसेस में जो है इस फिल्टरिंग के यूज करने से जो है इमेज में शार्पनेस बढ़ती है, स्पेशल फ्रीक्वेंसी जो है इंक्रीज होती है। यहाँ पे एग्जांपल है बिफोर फिल्टरिंग का और आफ्टर फिल्टरिंग का। आफ्टर फिल्टरिंग में इमेज एकदम शार्प हो गई है। उसके बाद अगला जो फिल्टरिंग टेक्निक है वो है एज डिटेक्शन फिल्टर। जैसा कि इसके नाम में मेंशन है एज, तो ये जो है इस टेक्निक का इस्तेमाल ज्यादातर इमेज में जो एजेस हैं उसको शार्प करने के लिए यूज होता है। ये एक डायरेक्शनल टाइप ऑफ फिल्टरिंग होता है, लीनियर फीचर को हाईलाइट करने के लिए यूज किया जाता है इसका। और इसमें जो जीरो सम कर्नल्स का यूज होता है इनहेंस करने के लिए, एज या लाइन को इनहेंस करने के लिए जीरो सम कर्नल्स का यूज किया जाता है। और इसमें बाकी कर्नल्स के जैसे डिवीजन परफॉर्म नहीं किया जाता है। इसमें क्या होता है कि आउटपुट वैल्यू जो होती है उसमें जहाँ पे सारी इनपुट वैल्यू जो है जहाँ पे इक्वल होती है उन एरियाज को जो है जीरो कर दिया जाता है। और जहाँ पे आउटपुट वैल्यू जो है लो फ्रीक्वेंसी वाले हैं वहाँ पे वैल्यूज लो कर दी जाती है, एक्सट्रीम फ्रीक्वेंसी वाले एरियाज हैं तो वहाँ पे वैल्यूज को हाई कर दिया जाता है। इससे क्या होता है जो भी आउट ऑफ जीरो वाली वैल्यूज होती हैं वो स्मूथ हो जाती हैं, और उसके अलावा जो बचती हैं वो एक शार्प कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करके देती है इमेज में। तो जो जहाँ पे भी सेम तरह का इनपुट वैल्यूज मिलती है उसको जीरो कर देते हैं, लो फ्रीक्वेंसी वाले एरिया को लो वैल्यू दे देते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वाले को हाई वैल्यूज दे देते हैं, जिससे जीरो को छोड़ के अगल बगल वाले एरिया सारे स्मूथ हो जाते हैं, जीरो वाले एरिया सारे हाईलाइट होके आ जाते हैं। तो इससे जो है एज डिटेक्ट हो जाता है फीचर्स का। ये तो एज डिटेक्शन फिल्टरिंग टेक्निक हो गई। एज डिटेक्शन फिल्टरिंग में जो है लैप्लेशियन फिल्टर भी इंक्लूडेड होता है। जैसे कि यहाँ आप एक एज डिटेक्शन फिल्टरिंग का जो आउटपुट इमेज है वो देख सकते हैं बिफोर फिल्टरिंग कैसा था और आफ्टर फिल्टरिंग जितने भी लीनियर फीचर हैं उनकी एज डिटेक्ट होके बाहर आ गई है। इसके बाद जो अगली फिल्टरिंग टेक्निक है वो है अडैप्टिव फिल्टरिंग। अडैप्टिव फिल्टरिंग में क्या होता है कि हाई पास फिल्टर जहाँ पे अप्लाई हुआ उसी इमेज को रीडिफाइन करते हैं। रीडिफाइन कैसे करते हैं कि बहुत सारे एज शार्पनिंग कर्नल्स होते हैं उनके सम को ये हाई पास फिल्टर वाले आउटपुट में ऐड कर दिया जाता है। और इसका कैलकुलेशन जो होता है बेसिकली मीन और वेरियंस के, ओरिजिनल डीएन वैल्यूज के जो मीन और वेरियंस वैल्यूज होती है उनके बेस पे कैलकुलेशन होता है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे एक फिल्टर दिया हुआ है और इस फिल्टर को रीराइट किया गया 8 और अलग कर्नल्स में जो कि एज शार्पनिंग कर्नल्स हैं। और इस केस में क्या होता है हर एक कर्नल को इंडिविजुअली जो है इमेज के साथ में परफॉर्म किया जाता है। इन इंडिविजुअल कर्नल्स का जो आउटपुट आता है उसको एक साथ में सम किया जाता है, उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको आउटपुट इमेज में ऐड कर देते हैं। तो जिससे क्या होती है एक बहुत ही शार्प इमेज, अच्छी सी इमेज इनहेंस्ड होके आउटपुट के रूप में मिल जाती है। ये तो अडैप्टिव फिल्टरिंग हो गई। यहाँ पे आप बिफोर फिल्टरिंग की इमेज देख सकते हैं और आफ्टर फिल्टरिंग की इमेज देख सकते हैं। इसके बाद जो अगला फिल्टरिंग मेथड है वो है स्टैटिस्टिकल फिल्टरिंग, जहाँ पे स्टैटिस्टिक्स की बात होती है। जैसे यहाँ पे मीडियन फिल्टर की बात की गई है और इससे क्या होता है नॉइज का रिमूवल होता है। जैसे कि रडार इमेजरी में स्पेकल्स आ जाते हैं, नॉइज आ जाते हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए यूज होता है स्टैटिस्टिकल फिल्टरिंग का। और इससे मिसिंग स्कैन लाइन भी जो आ जाती है इमेज के बीच में उसको भी रिमूव किया जाता है। जैसे पहला फिल्टर जो मीडियन फिल्टर है, मीडियन फिल्टर में जैसे ये एक सेट लिया गया है यहाँ पे इमेज में 3x3 का, और इन सबको एक असेंडिंग ऑर्डर में जब लगाया गया सारी वैल्यूज को, तो जो मीडियन वाली वैल्यू है उस वैल्यू को फिर सेंटर वाले वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये जो है मीडियन फिल्टरिंग हो जाती है। और दूसरा जो है मोड फिल्टरिंग। मोड फिल्टरिंग में भी सेम, अगर ये सेंटर वाले जो सेट है इस पे मोड फिल्टरिंग को अप्लाई करें तो इन सारी वैल्यूज को एक सीरीज में लिख लिया गया है। और मोड में क्या होता है कि जो वैल्यू जो है सबसे ज्यादा टाइम चाहिए पूरे सीरीज में, यहाँ पे जो 3 वैल्यू है वो सबसे ज्यादा टाइम चाहिए पूरे सीरीज में, तो सेंटर वाले पिक्सल को जो है 3 से रिप्लेस कर देते हैं। और इसका यूज जो होता है थीमेटिक और क्लासिफाइड इमेज के क्लीनिंग के लिए होता है। इसके बाद बात करते हैं अगले जो फिल्टर है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टर है, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात की जा रही है। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टरिंग में मेनली 3 स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, और वो 3 स्टेप्स क्या क्या हैं? पहला तो फोरियर ट्रांसफॉर्म द ओरिजिनल इमेज एंड कंप्यूट द फोरियर स्पेक्ट्रम। ओरिजिनल इमेज जो उस पर फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं और फिर उससे फोरियर स्पेक्ट्रम को कंप्यूट करते हैं। उसके बाद जो है कोई अप्रोप्रिएट फिल्टर फंक्शन को सेलेक्ट करना होता है और फोरियर स्पेक्ट्रम के एलिमेंट से उस फिल्टर फंक्शन को जो है मल्टीप्लाई करना होता है। उसके बाद वापस से जो है ये सारे फिल्टर्स को अप्लाई करने के बाद इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म को परफॉर्म करते हैं ताकि हम वापस से रिटर्न हो सके स्पेशल डोमेन में। तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये बेसिकली
फ्रीक्वेंसी डोमेन के लिए यूज होता है, जहाँ पे एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम जो है उसके फिल्टरिंग के लिए यूज किया जाता है, और वहाँ पे एम्पलीट्यूड या वेव बैंड्स में कोई चेंजेस करने हो तो इस मेथड का यूज किया जाता है। तो अगली फिल्टरिंग मेथड जो है वो है क्रिस्प फिल्टरिंग। क्रिस्प फिल्टरिंग क्या होती है, ये ओवरऑल सीन जो है बिना इंटर बैंड्स को डिस्टॉर्ट किए ओवरऑल सीन को शार्प करती है, और ये जो अगर इमेज किसी हेज या सेंसर मोशन की वजह से ब्लर आई हो तो उसको ठीक करने का काम करती है। और इसमें जो है इनपुट इमेज के प्रिंसिपल कंपोनेंट्स को कैलकुलेट किया जाता है सबसे पहले, और उसके बाद उस प्रिंसिपल कंपोनेंट को समरी फिल्टर के साथ में रन किया जाता है, और उसका फिर रीट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है RGB स्पेस, जब हम प्रिंसिपल कंपोनेंट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली इस फिल्टर में होता क्या है कि जो भी इमेज में ये एक्स्ट्रा ब्लर हेज सेंसर मोशन की वजह से जो एरर आए होते हैं उनको शार्प कर दिया जाता है ल्यूमिनेंस को, और जो वेरिएंस है जो बैकग्राउंड में इंटर बैंड इमेज है बिना उसको डिस्टर्ब किए वो सेम टू सेम एज इट इज रह जाती है, और बाकी ये नॉइस को सब हेज और सेंसर मोशन की वजह से जो भी क्रिएट हुआ है इमेज में ब्लरिनेस उसको शार्प करके इस फिल्टरिंग से दूर किया जाता है। तो जैसा कि इस इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ हल्के हल्के जो हेजीनेस आ गई इमेज में, ये वाइट पोर्शन बिफोर फिल्टरिंग और आफ्टर फिल्टरिंग में इन सबको शार्प कर दिया गया है और इमेज काफी क्लियर और एनहांस हो गई है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही है। आज के लेक्चर में हमने सारी फिल्टरिंग टेक्निक्स की बात की है जिसका इस्तेमाल जो इमेज एनहांसमेंट के लिए किया जाता है। तो आप सबका इस लेक्चर में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।